साधुओं ने कहा तुम घर जाओ, अपने परिवार वालों से, अपने बीवी बच्चों से पूछो, क्या तुम्हारा जो पाप है उसके वो भागी बनेंगे? तुमको सज़ा मिलेगी तो क्या वो सज़ा लेने को तैयार हैं? रत्नाकर घर गया, उसने अपने बीवी बच्चों से कहा तो उन्होंने कहा पाप आप करते हो तो हम उसके साझेदार कैसे हुए? आपकी जिम्मेदारी है हमें पालना खिलाना। अब आप ईमानदारी के पैसे से लाते हो या बेईमानी के लूट खसोट के लाते हो, इससे हमें क्या लेना देना? बात रत्नाकर के समझ में आ गई, वो समझ गया कि इस सब करने से उसका ही हिसाब खराब हो रहा है। वो साधुओं के पैर पर गिर पड़ा, और मैं बता दूं कि वो रत्नाकर डाकू आगे चल के एक महान ऋषि हुए। तो सभी जानते हैं उनका नाम, और महाकाव्य रामायण की रचना की, भगवान राम का चरित्र लिखा उन्होंने। तो देखो बेईमानी का नतीजा आज न कल भुगतना पड़ेगा। अगर ईमानदारी से कमाए हुआ धन आपके पास है तो आपको सुख की नींद आती है, अगर आप बेईमानी से कमाते हो तो आपको जेल का चक्कर, बीमारियों का चक्कर और परिवार का पतन होता है। तो भाई ऐसा क्यों करते हो? कभी ये तो सोचो कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम ये किसके लिए कमा रहे हैं, कहाँ जाएगा? कोई बेईमान खुद से ईमानदार हो जाएगा इससे? हाँ, एक बार ताली बजा लीजिए भाई, इतनी बढ़िया बात है, खुल के बजा लीजिए। देखो भाई, बेईमान को ईमानदार होना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। अगर आप अपने हृदय और अपने बुद्धि के मैल को साफ कर लें तो कोई भी मुश्किल मुमकिन हो जाती है। अच्छा बापू, एक और मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। तो अरसा हो गया अभी, भारत को कितना समझ पाए आप, बहुत बदल गया, सफाई पर बड़ा काम हो रहा है। और मैं अभी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव कवर करने के लिए गया तो मैं करीब 3,500 किलोमीटर सड़क चला, कई जगहों पर जाता था, गंदगी दिखती थी, तो मैं देखता था कि डस्टबिन तो पड़ा है लेकिन उसके आसपास, कचरा पेटी के आसपास कचरा का ढेर लगा हुआ है। तो मैं उन लोगों को बोलता था मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ लोगों का निशाना बहुत अच्छा है और डस्टबिन में फेंकने वाली चीज़ डस्टबिन में ही जाती है, बताओ मैं कौन से शहर से हूँ। अरे वाह, ताली इस बात के लिए। और ये बापू सही है कि कुछ आदर्श तो हमारे सामने आए हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान आपने तो इसकी शुरुआत की, आपने इसके बारे में काफ़ी बात की, आप स्वच्छता को तब से जानते समझते आए जब आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी। स्वच्छता अभियान कितना महत्वपूर्ण है, आपको क्या लगता है, क्या इससे देश की तरक्की हो सकती है, लोगों की सोच में कोई बदलाव? बाहरी स्वच्छता आंतरिक स्वच्छता के लिए कितनी महत्वपूर्ण? देखो भाई, गांधी जयंती के दिन हाथ में झाड़ू पकड़ कर फोटो खिंचवाने से स्वच्छता नहीं आएगी। स्वच्छता लानी है तो आप इसका इम्पोर्टेंस समझें। जिस तरह आप रोज़ अपने शरीर को साफ करते हैं, अपने घर आंगन को साफ करते हैं, उतना ही मुश्तरी से आप अपने गांव की गलियों को और नालियों को साफ करें तभी कुछ पनपा सकता है। अकेला आप किसी सरकार के भरोसे रहेंगे तो कभी नहीं होगा, इसमें आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपके मन और विचारों को भी शुद्ध करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा, तभी जाके कोई बात बनेगी। और मैल पैरों पर हो या मुंह पर हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बापू आप तो कहते ही बढ़िया बात है हमेशा, लेकिन आज जो दौर है ना वो थोड़ा सा बदल गया है, था आपके समय भी ये सब कुछ, हेट और इनटॉलरेंस। अभी आजकल गाड़ियां बहुत हो गई बापू सड़कों पर, जरा सी गाड़ी रगड़ जाती है ना तो लड़ने मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं लोग, बर्दाश्त नहीं होता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सड़कों पर झगड़ा हो रहा है या पड़ोसियों से झगड़ा हो रहा है, झगड़ा जो है वो समाज में बड़े पैमाने पर भी देखने को मिल रहा है। ये हेट और इनटॉलरेंस ये कितना खतरनाक है और क्यों है? देखो भाई, मेरी तो लाठी हिंसा और सत्य की प्रतीक है, तो मैं भला किसी हिंसा को कैसे सच मान सकता हूँ? आप ही बताओ, किसी का कद छोटा करके कोई बड़ा हुआ है
किसी को मार के कोई अमर हुआ है, किसी को दुख पहुंचा के कोई सुख हुआ है? मैं तो कहता हूं कोई नहीं हुआ है। तो हम किस लिए ये काम करते हैं? हम लोगों की जान मारते हैं, घर जलाते हैं, धर्म के नाम पर, सियासत के नाम पर। तो ये कैसा धर्म है और ये कैसी सियासत है? मैं इससे तो नहीं सहमत हूँ। बापू, आपके समय पर तो ज़्यादा हुआ था, इसी पर पूरी सियासत हुई थी, और हमने देखा है कि किस तरीके से धार्मिक भावनाएं जो हैं उस समय ज़्यादा भड़की थी, वो क्या था? हाँ, हिंसा हुई थी, पर उसके लिए हमने अनशन भी किया, उसके लिए हमने शांति के लिए प्रभात फेरियां भी निकाली। अनशन और प्रभात फेरी से काम बनेगा? मैं चाहूंगा कि दर्शक भी एक बार इस बात को, आप भी बताएं बापू, और आपसे कितना समर्थन रखते हैं दर्शक ये भी जाने, क्या अनशन और प्रभात फेरियों से आज काम चल जाएगा? देखो भाई, शांति के लिए जो कुछ भी हो संभव अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने शांति के लिए खुद को रणछोड़ कहलवाना पसंद किया। ऐसी बात नहीं कि उनमें शक्ति नहीं थी, पर उन्होंने शांति को इतना बड़ी मोल दे के खरीदा, वो महान व्यक्ति थे, हमें उनको ही फॉलो करना चाहिए। अभी कई योजनाएं बापू, मैं भी पत्रकार के नाते कई लोगों को, दर्शकों को खबरें बताता हूं। अग्निपथ योजना आई, किसान आंदोलन हुआ, इतना बड़ा भारी आंदोलन अभी भी हो रहे हैं, घबराइए मत आप, आंदोलन अब भी हो रहे हैं, लेकिन ज़रा अलग पैमाने पर हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये मूलभूत अधिकारों के लिए आंदोलन ही एकमात्र दवाई है, तरीका है? विरोध, आंदोलन, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, बट विरोध केवल विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। विरोध देश के उन्नति के लिए होना चाहिए, ना कि देश के पतन के लिए। आज हम सड़कें जाम करते हैं, भाई बहनों को तकलीफ होती है, हम बसें जलाते हैं, ट्रेन जलाते हैं, हिंसा करते हैं, तो भला बताओ इसमें कौन सी देश की उन्नति होती है? मुझे तो लगता है ये तो देश को धरातल में ले जाने का काम। कैसे करें फिर आंदोलन, क्या तरीका होना चाहिए? आपको लगता है कोई नया तरीका आप सुझा सकते हैं? और आज के हालात तो आपको समझ में आ ही गए होंगे आपको। नया नहीं, मैं एक बहुत पुराना तरीका बताता हूँ। जापान में लोगों ने सरकार के विरोध करने का एक नया तरीका निकाला। दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में वो काला बल्ला बांध कर जाते थे, और जो उनके कार्य के सीमा होती थी उससे ज़्यादा काम करते थे, छुट्टियों में भी काम करते थे। उससे क्या हुआ, देश का उत्पादन हुआ और सरकार को भी उनका विरोध समझ में आ गया। विरोध किसी व्यक्ति से हो सकता है, सरकार से हो सकता है, लेकिन देश के प्रति विरोध, ये कैसा विरोध है? इस बात पर तो जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, मुझे लगता है ज्यादातर लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आंदोलन के मायने तभी सही मायने में निकल कर आएंगे जबकि आंदोलन शांतिपूर्ण हो और आंदोलन से कुछ निकल कर आए। जितना भी हो हल्ला हमने देखा, आगजनी देखी, जितनी तोड़फोड़ देखी, उससे निकल कर कुछ नहीं आया। हाँ, एक सियासी माहौल जरूर बना है। अच्छा बाबू, ये बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि हम सड़कों पर क्या देख रहे हैं, हम तो संसद में भी यही सब देख रहे हैं। संसद में जमकर लड़ाई झगड़ा होता है, आप तो पता नहीं देख पाते होंगे कि नहीं देख पाते होंगे ये सब, लेकिन फिर भी ये बताएं मुझे कि आपकी मूर्ति के नीचे मैं देखता हूँ कि सांसद जो है वो इकट्ठा होकर